हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, आपका स्वागत है मेरे चैनल में और आप देख रहे हैं फॉरएवर। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है संडे और अभी टाइम हो रहा है, अभी 10 बज रहा है और मैं जाऊँगी किचन में और अभी बच्चे तो सो रहे हैं, जब उठेंगे तब ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। लेकिन अभी मैं बनाऊँगी चिकन। चिकन तो मैं कल शाम में लेके आ गई थी लेकिन रात में मैं नहीं बनाई, उसे मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया है, सोचा सुबह बनाऊँगी। तो चलिए मेरे किचन में और मैं बनाऊँगी चिकन पहले, उसके बाद बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। मैं आ गई हूँ अपने किचन में और यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन को मैंने रात में ही मैरिनेट करके रख दिया था। और यहाँ पर है चिकन की ग्रेवी के लिए प्याज, मैंने दो बड़े प्याज लिया है। और यहाँ पर हरी मिर्च है और यहाँ पर अदरक लहसुन, और यहाँ पर मेरे पास है सूखा खड़ा धनिया और जीरा, जिसे मैं भून के पेस्ट बना लूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं मसाले को 1 चम्मच के करीब तेल डालना है। तेल हमारा गरम हो चुका है, अब सबसे पहले डालूंगी अदरक लहसुन। अदरक लहसुन को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैं डालूंगी इसमें यह है जीरा और धनिया। अब मैं इसमें डालूंगी प्याज और यहाँ डालूंगी हरी मिर्च। इसको अच्छे से फ्राई करना है। आप देख सकते हैं ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है और इसे अब मैं ठंडा करके इसका पेस्ट बना लूँगी। और जब तक ये ठंडा हुआ तब तक मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी और ब्रेकफास्ट में बनाऊँगी सैंडविच। मैंने सैंडविच की तैयारी कर लिया है और आज मैं बनाऊँगी 2 तरह से सैंडविच। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि सैंडविच के लिए क्या क्या लगेगा। सबसे पहले तो एक सैंडविच के लिए मुझे ये दही लगेगा, ये बारीक कटा हुआ प्याज लगेगा और ये ग्रेट किया हुआ खीरा है मेरे पास, और ग्रेट किया हुआ गाजर, और थोड़ी सी ये है नमक स्वादानुसार। और यहाँ पर मैंने लिया है कुटी हुई लाल मिर्च, आप चाहे तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं इसकी जगह, या आप ना डालें आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, आप बिना मिर्च की भी बना सकते हैं। और यहाँ पर है मेरे पास ब्राउन ब्रेड, ये हेल्दी है, ये मैदे वाली नहीं है तो ये हेल्दी है, तो मैं हमेशा ब्राउन ब्रेड ही लाती हूँ। और यहाँ पर है मेरे पास एक सैंडविच के लिए, यहाँ पर मैंने रिंग में काट कर लिया है प्याज को और यहाँ पतला स्लाइस कर लिया है खीरे को। और यहाँ पर मेरे पास है सैंडविच स्प्रेड मेयोनीज है, ये चीज़ एंड चिली वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी गाजर, इसमें डालूंगी प्याज, और डालूंगी इसमें यह है ग्रेट हुआ खीरा, और इसमें डालूंगी मैं यह दही। अगर आपको वेट लूज करना है तो आपके लिए बहुत अच्छा सैंडविच है। यहाँ पर मैं डालूँ थोड़ा नमक और डालूंगी ये कुटी हुई लाल मिर्च। मैंने गाढ़ा दही लिया हुआ है और ये बिल्कुल भी खट्टा नहीं है, तो अब खट्टा दही ना लें। और अब मैं रखूँगी तवा गरम करने सैंडविच के लिए। तो सबसे पहले एक ब्रेड में लगाऊंगी मैं ये है दही और प्याज खीरा वाला। और मैं तवा रख दिया है गरम होने के लिए, और एक में मैं लगाऊंगी ये चीज़ लगाऊंगी। दोनों ब्रेड में अच्छे से चीज़ को लगाना है। अब मैं इसमें डालूंगी ये पतला पतला स्लाइस किया हुआ खीरा, और डालूंगी यहाँ पर मैं ये मैंने रिंग में कट करके रख लिया है प्याज को। और अब एक ब्रेड को इसके ऊपर और थोड़ा सा प्रेस कर दे ऐसे,
तवा हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं लगाऊंगी थोड़ा सा घी और इसको मीडियम फ्लेम में सेकने हैं अच्छे से। और मैं थोड़ा सा थोड़ा दोनों में घी लगा रही हूँ। अगर आप वेट लूज कर रहे हैं तो जो दही वाला सैंडविच है उसको आप बिना सेके भी खा सकते हैं, ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है वो। दोनों तरफ से अच्छे से सेक ले। सैंडविच रेडी हो चुका है, इसको अच्छे से सेक लिया है। यहाँ पर सैंडविच रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं ये ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको पीस के इसका पेस्ट बनाऊंगी। मैंने इसका पेस्ट बना लिया है प्याज अदरक लहसुन का। और अब मैं कढ़ाई गर्म करूँगी, मैं डालूँगी थोड़ा तेल और थोड़ा सा डालूँगी इसमें घी। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें डालूंगी, यह है 2 तेज पत्ता और यह है थोड़ा सा जीरा। अब मैं इसमें डालूंगी बारीक कटा हुआ प्याज, अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून हल्दी, वन टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून ये है गरम मसाला। मैं डाल रही हूँ यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक और इसको अच्छे से स्लो फ्लेम में भूनना है। मसाला मैंने अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी चिकन। चिकन को मीडियम फ्लेम में अच्छे से ढक के पकाना है और बीच बीच में चम्मच चलाते रहना है। इसको ढक के पकाना है मीडियम फ्लेम में। चिकन को मैंने अच्छे से ढक के पका लिया है और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा पानी ग्रेवी के लिए। इसे ढककर 5 मिनट तक पकने दूंगी। चलिए देखते हैं चिकन हुआ कि नहीं। चिकन अच्छे से पक गया है। लंच हमारा हो चुका है और लंच करते करते बहुत टाइम हो गया। आज संडे तो संडे को बहुत लेट हो जाता है लंच करने में। मैं डेली ब्लॉग बनाने का सोचती हूँ लेकिन बना नहीं पाती क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं आगे कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालने की अपने चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय।